यार निदा, आजकल कौन कौन से ड्रामे देख रही हो? सुमाइला, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आसिम इस वक्त ऑफिस से आते हैं और मैं किचन में बिजी हो जाती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारी तरह इतनी फारिग नहीं हूँ कि पूरा वक्त बैठ के ड्रामे देखती रहूँ। क्या मतलब भाई, सारे वक्त ड्रामे देखती रहूँ? मुझे भी बड़े काम होते, घर के काम, कुकिंग, और सबसे बढ़कर आसिफ के अब्बा के नाज नखरे। नाज नखरे? कैसे नाज नखरे? यही, तेरे वक्त पे खाना दो, कभी चाय की फरमाइश, कभी जूस की फरमाइश, उफ थका के रख देते हैं। अच्छा, तो अपने ससुर के सारे काम तुम करती हो? लो, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? सास तो मेरी पहले ही फोर्थ हो गई। और वैसे एक बात कहूँ, इस बुढ़ापे में अगर एक पार्टनर का इंतकाल हो जाए ना, तो सारा बोझ बमों पे आ जाता है। हाँ ये तो है, शुक्र है कि मेरे सास ससुर नहीं है। हाय निदा, तुम कितने खुश नसीब हो। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन सुनो, अपने शोहर के सामने ऐसी बात भूल कर भी ना करना। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप के बारे में कोई भी ऐसी बात सुनना नहीं चाहता। नहीं नहीं, आसिफ ऐसे नहीं है, वो मेरी हर बात मुस्कुरा के सुनते हैं और मानते भी हैं। वाह भाई, लगता है शोहर को खूब मुट्ठी में ले रखा है। ऐसे वैसे, एक मिनट, सत्या ना सारा दूध उबल गया। हेलो हेलो निदा, निदा निदा ने कॉल ऑफ कर दी। ये हमेशा ऐसे ही करती है, अब मैं इससे बात नहीं करूंगी। थोड़ी देर रुक जाती तो क्या बिगड़ जाता है इसका। हेलो हेलो सानिया, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं बस अब तुम्हें ही कॉल करने लगी थी। हाँ हाँ, पैकेज का यही तो फायदा है, दोस्तों से लंबी लंबी बातें हो जाती है। यार नादिया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पता है मैं बेजार हो गई हूँ अपने ससुर की खिदमत कर करके। यार मुझे समझ ही नहीं आता, जब देखो कोई ना कोई फरमाइश करते रहता है। देखा, सुना तुमने, फिर से आ गए। मैं आती हूँ यार। शुमाइला बेटा। जी आई। जी बोले। बेटा मुझे लग रहा है मेरी शुगर डाउन हो रही है, कुछ खाने को दे दो। खाना तो नहीं बना। क्यों? आज मैं पूरा दिन कपड़े धोती रही। मैं काम करती हूँ, आसिफ को कॉल करती हूँ, वो दफ्तर से आते हुए कुछ खाने को ले आएंगे। अरे बेटा फिर वही बाहर से खाना, मेरा तो बाहर की रोटियां खा खा के मैदा बर्बाद हो गया। मैं भी अकेले क्या क्या करूं, एक तो घर में इतने काम है और ऊपर से आपकी जिम्मेदारियां। हाँ यार, कहां थी मैं? मेरे ससुर ना दिमाग खराब करके रख दिया यार मेरा। उन्होंने खाना दो ये दो मुलाजमा बना दिया मुझे उन्होंने अपनी।
मैंने भी कह दिया अभी आसिफ आएंगे ना वो लेते आएंगे खाना। आसिफ रात के 8 बजे तक आएंगे, तब तक ही चाय पापे खा ले। बहू ये 2 कुर्ते मेरे 1 हफ्ते से मशीन पे पड़े हैं, ये अभी तक नहीं धुले। हाँ तो क्या करूं, जब भी मशीन लगाती हूँ पानी चला जाता है। ठीक है बाहर दे देता हूँ धुलने, मेरे तो कपड़े भी धुलने वाले होते तो पानी चला जाता है। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन बाहर जाके ये मत कहिएगा कि बहू ने कपड़े नहीं धोए, 2 साल से मैं ही तो धो रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। अरे यार शुगर है तुम्हारे बेटा, बहुत सब भूख लग रही, जानते भी हो कि मैं शुगर का पेशेंट। तौबा तौबा अब्बा, अभी ऑफिस से आते ही आपको चाय पापे दिए थे, जब देखें आपको भूख लग जाती है, इसमें मेरा क्या कसूर? अच्छा कोई बात नहीं, ये तुम निकाल के लाओ। 3 फर्द हैं हम इस घर में, 3 लोगों के लिए भी ये खाना नहीं बना सकती। जानते भी हो कि बाहर का खाना मुझे सेहत होता है, बाहर के खाना खा खा के मेरा पेट खराब हो गया यार। ये ले खाए। एक तो इनके एतराज खत्म नहीं होते, मैं सारा सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, इनको नजर ही नहीं आता। क्या काम करती हो हैं? नाश्ता बाहर से आता है, रात का खाना, 25 दिन से इस घर में खाना नहीं पका, कपड़े मेरे वहां पड़े रहते हैं बगैर धुले कई कई दिन, क्या काम करती हो? आसिफ आप देखने किस तरह इन्होंने शिकायतों का पिटारा खोल के रख दिया, जैसे मुझसे बुरी बहू तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं बता रही हूँ कि आप अपने अब्बा को समझा ले, वरना मुझे लम्हा नहीं लगेगा अपनी अम्मी के घर जाने में। ए, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों जाओगी कहीं? घर है तुम्हारा, कहीं नहीं जाओगी तुम। तो क्या हर वक्त अपनी बेइज्जती करवाती रहो? अब्बा जी आप भी थोड़ा ख्याल किया करें यार, बेचारी सारा दिन काम करती रहती है और आपकी शिकायतें खत्म ही नहीं होती। माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे भाई, आइंदा कभी इस किस्म की हरकत नहीं करूंगा। अच्छा अब्बा खाना तो खा के जाएं। हाँ वरना फिर हमें ही कोसते रहेंगे। बस बहुत खा लिया, भर गया पेट, तुम्हारी बातों ने भर दिया मेरा पेट। बस छोड़े इनको, भूख लगेगी तो खुद ही आके खा लेंगे। आप जाके फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना निकाल के ले आती हूँ। मेरी अपनी औलाद मुझे बोझ समझने लगी, मेरा अपना बेटा, मेरा अपना खून आसिफ, तो मुझसे ज्यादा अपनी बीवी की इज्जत, जिद और हना से प्यार करने लगा। सुरैया हमने कितनी मन्नतों मुरादों के बाद अल्लाह से आसिफ लिया था, इसलिए कि वो हमारी पीरी का सहारा बनेगा, हमारे बुढ़ापे का बोझ अपने कंधों पर उठा लेगा। मगर ऐसा नहीं हो रहा सुरैया,
जैसा तुमने सोचा था। शुक्र है तुम जल्दी चली गई, वरना ये सब देख के तुम तो जीते जी मर जाते। जैसे मैं मर रहा हूं, एक एक लम्हा, एक एक पल। क्या हुआ, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब्बा जी के ये वाली नौकरी भी चली गई। क्या? लो जी, थोड़े बहुत पैसे आते थे, अब तो वो भी गए। और क्या, अब इस उम्र में कोई नौकरी भी नहीं देगा। अब घर में रह के मेरा जीना हराम करेंगे, मेरे हर काम में कीड़े निकालेंगे, ना खुद चैन से जिएंगे ना हमें जीने देंगे। अब इनका बोझ भी हमारे सर पे आ गया, वैसे ही इतने खर्चे। अच्छा तुम टेंशन क्यों ले रही हो, ठीक हो जाएगा सब। एक कप चाय तो बना दो यार, सर में बहुत दर्द है। खुद ही बना लेता। आसिफ। जी अब्बा। बेटा ये दवाएं हैं मेरी ब्लड प्रेशर की और शुगर की, खत्म हो गई है, आप वापस आते हुए लेते हैं। अब्बा ये दवाएं तो 10 दिन पहले लेकर आया था, खत्म भी हो गई। बेटा दवाएं, कुछ यूं हम चॉकलेट समझ के तो नहीं खाता हूं ना इसको, वक्त पे खत्म हो गई। ठीक है मैं ले आता हूं। जी तो थैंक यू। शुमाइल अब कुछ पैसे दे दो यार, वो अब्बा की दवाई लानी है। पैसे कहां से लाऊं मैं पैसे? यार अब्बा की और मेरी तनख्वाह तो तुम्हारे पास ही आती है ना। आप भूल रहे हैं कि ये आपकी अब्बा की आखिरी तनख्वाह थी, उनको घर का खर्चा नजर नहीं आता। क्या क्या करूं मैं अकेले, घर का किराया, गैस का बिल, बिजली का बिल, ग्रोसरी। मैं समझ रहा हूँ लेकिन अभी तो दवाइयां लानी होंगी ना। आसिफ आपके अब्बा का खाना पीना तो हम करते हैं, एटलीस्ट अपनी दवाइयों का खर्चा तो खुद उठा लिया करें, इतना बोझ तो ना डाले हम पर। कुछ ना कुछ तो सेविंग की होगी ना उन्होंने, अपनी सेविंग से ही अपनी दवाइयां खरीद ले। ठीक कह रही हो। दवा ले आए बेटा, सख्त सिर में दर्द हो रहा है यार, लगता ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब्बा मेरे पास तो पैसे नहीं है, आपके पास हैं तो दे दे, मैं ले आता हूं दवा। मेरे पास पैसे कहां से आएंगे बेटा, मैं तो जो कुछ भी कमाता था मैं बहू को दे देता। मैंने तो आज तक अपने पास एक पैसा भी बचा के नहीं रखा। अब्बा एटलीस्ट अपनी दवाएं तो खुद ले लिया करें, कुछ ना कुछ तो सेविंग्स होंगी ना आपके पास। सेविंग्स कहां से होंगी सेविंग्स बेटा, मेरा तो जो कुछ था तुम्हारे लिए था, तुम पे खर्च कर दिया। ये शादी से पहले तो तुम इस तरह की बातें नहीं करते थे। क्या मतलब है आपका, आप
आपको लगता है कि मैं आसिफ को पटिया पढ़ाती हूँ? बेटा मेरा ये मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। अब आपका जो भी मतलब था ना, शुमाइला ने ठीक समझा और मैंने भी। तुमने तो हमेशा अपनी बीवी का कहा ही समझा ना। अरे कभी अपने बाप पे भी एतबार किया होता? आपसे तो हम मियां बीवी की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं होती। यानी क्या मसला है आपको? क्या मैं तुम लोगों से जलूंगा? हसद करो तुम दोनों से? वो कौन से माँ बाप हैं जो अपने औलाद से जलते होंगे? क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे? अब्बा क्या हो गया आपको? एक मामूली सी बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं आप? ये मामूली सी बात है बेटा? बिल्कुल मामूली सी बात है। क्या कहा क्या है मैंने आपसे? यही ना कि कुछ सेविंग्स हैं तो दे दे, ले आता हूं आपकी दवाइयां। छोड़ो, खुद दे लूंगा दवाएं। मुझे लगता है मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया हूं। से दुआ है मेरी कि परवरदिगार ये बोझ जल्द से जल्द तुम इसे उठा ले। बातें बनाना तो एक खूब बात है, दिमाग खराब करके रख दिया इन्होंने। अच्छा ना, तुम टेंशन ना लो। अच्छा किया कि आपने इन्हें एहसास दिला दिया कि हम पे कितने बोझ है। भाई कहां से करूं मैं इतना खर्चा? पूरे महीने इन्हें खिलाने पिलाने के बाद बचता ही क्या है? ठीक कह रही बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। जनाब तुम तो मुंह ठीक करो। साकिब भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब आप आने वाले हो? ये भली होगी आपके पास? ये मुझे प्लीज दे दे, मेरे बहुत सख्त मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। ये एक गोली लेकिन साकिब भाई तो पूरा डब्बा आता है। दो गोलियां देते हैं किसी तरह अगर पॉसिबल। क्या मसला है? मेरे पास पैसे नहीं है भाई। आपसे पैसे किसने मांगे? खाफी मेडिसिन ले जाएं, पैसे की फिक्र ना करें। और दोस्त भी तो भाई की तरह होता है ना। आप बैठे, मैं लेके आता हूँ मेडिसिन। बैठे। ये साकिब भाई दवाई। इतनी दवाएं भाई? साकिब भाई क्या हो गया? क्यों हौसला हार रहे हैं? अल्लाह बेहतर करेगा ना। क्या मसला है? जो अपने खून सफेद हो जाए भाई दिल कितनी कितनी हो जाता। क्या आसिफ ने कुछ कहा आपसे? भाई सगी औलाद अगर अपने बाप को बोझ समझने लगे क्या हाल होगा उसे? क्या वाकई आसिफ ने आपको ये एहसास दिलाया है? भाई इस औलाद के लिए माँ बाप अपनी जान माल हर चीज की कुर्बानी दे दें और वो फिर उनके साथ ऐसा सलूक करे तो फिर तो इंसान मर ही जाता है और मैं भी मर चुका हूँ। बदनसीब है ये, उसकी बदनसीबी है कि बाप के मर्तबे और मकाम को नहीं समझ रहा है। आपको किसी ओल्ड एज होम का पता? प्लीज मुझे वहां ले चले, मैं अब अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। क्या ओल्ड एज होम? अगर कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगी ना कि अब्बू जी पेशावर गए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे। आप टेंशन मत लें।
बैठे मैं खाना लेके आती हूँ। तो क्या कुदरत मुझे भी समझा रही है वाजिद भाई? ये आपकी आजमाइश है और उसका इम्तहान है, और याद रखें कि कुदरत जब अपने खास बंदों को आजमाती है तो उसको तन्हा नहीं छोड़ती। माफ किया बेटा, मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया।